मानसिक रोगों की जननी शराब। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। मादक द्रव्यों में शराब का प्रयोग सारे विश्व में सबसे अधिक किया जाता है। अमीर लोग जहां महंगी शराब पीते हैं, वहां गरीब तथा पिछड़े लोग, विशेषकर भारत में घरेलू भट्टियों से तैयार गेहूं, जौ, मक्का, ताड़ी, महुए, गन्ने के रस आदि को सड़ाने से बनी सस्ती किस्म की शराबों का उपयोग करते हैं। परंतु इसकी भयावह व्यापकता सभी स्तर तथा सभी वर्गों के लोगों तक फैली हुई है। शराब का सबसे अधिक दुष्प्रभाव मस्तिष्क तथा स्नायु तंत्र पर पड़ता है। वैज्ञानिक परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि शराब से मस्तिष्क की कोशिकाओं की झिल्लियां क्षतिग्रस्त होती हैं, जिससे मस्तिष्क की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि शराब के नशे की स्थिति में उत्तेजित व्यक्ति नशा समाप्त होने पर अवसाद ग्रस्त स्थिति में पहुंच जाता है। उस समय उसे यह भी भान नहीं रह जाता कि वह किस स्थिति में कहां है। अधिक मात्रा में शराब के निरंतर सेवन से यह अवसादपूर्ण स्थिति स्थायी रूप से जीवन का अंग बन जाती है। शराब जैसे मादक द्रव्य का प्रयोग मानव जाति के लिए हर प्रकार से समस्याएं ही उत्पन्न करने वाला है। दैनिक जीवन की कठिनाइयों तथा तनावों से मुक्ति पाने के लिए इसका प्रयोग तो मृग मरीची का ही सिद्ध होता है। इतना जानते समझते हुए भी नित्य अनेकों व्यक्ति शराब के चंगुल में फंसते, कमाई खोते और व्याधिग्रस्त होते देखे जाते हैं। यह एक प्रकार का ऐसा मायापाश है जो बरबस व्यक्ति को शराब खाने खींच ले जाता है और उसके स्वतंत्र चिंतन को कुंठित कर देता है। वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान में पाया है कि शराबियों के मस्तिष्क की कोशिकाओं न्यूरॉन का बाहरी आवरण कठोर हो जाता है। उनके मस्तिष्कीय न्यूरॉन केवल तभी सक्रिय होते हैं जब वे दोबारा शराब ग्रहण करते हैं, अन्यथा इससे पहले ये न्यूरॉन किसी प्रकार का संकेत ग्रहण करने, उनका विश्लेषण करने और पढ़ने में असफल रहते हैं। आरंभ में व्यक्ति शराब कम मात्रा में पीता है, पर जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है, मस्तिष्कीय कोशिकाएं इस जहर से अपनी रक्षा करने के मजबूत कवच का निर्माण कर लेती है। शराब में मिली अल्कोहल न्यूरॉन के बाहरी खोल पर चिपक कर क्रमशः उसे कठोर बना देती है। इस बाहरी कठोर आवरण को नरम बनाए बिना न्यूरॉन के बीच आपसी संचार संबंध कायम नहीं हो पाता, अतः शराब पीना आवश्यक हो जाता है। शराबियों पर नशीली दवाओं, हल्की खुराक का भी कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि नशीली दवा के अणु रक्त संचार के माध्यम से मस्तिष्कीय न्यूरॉनों तक पहुंचकर उनकी सतह पर जा चिपकते हैं और उनके आपसी संचार माध्यम को भंग कर देती हैं। ऐसी स्थिति में जब तक शराब नहीं पी जाती, मस्तिष्कीय कोशिकाएं आपस में संकेतों का आदान प्रदान नहीं कर सकती। चिकित्सा विज्ञानियों का कहना है कि कोई भी मादक नशीला पदार्थ मानवी काया में पहुँच कर उसके अंग अवयवों की क्रियाशीलता एवं ढांचे में परिवर्तन कर देता है। आदत बन जाने, लत पड़ जाने पर नशेड़ी की मनोदशा, चेतना, अनुभूति, शारीरिक मानसिक क्रियाएं सभी परिवर्तित हो जाती हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चला है कि मादक पदार्थों के निरंतर सेवन से व्यक्ति में पलायन एवं निष्क्रियता की वृत्ति उभरती है। उनमें निर्णय लेने की क्षमता का अभाव हो जाता है। व्यसनी व्यक्ति अंततः शारीरिक रूप से असमर्थ, मानसिक रूप से अक्षम तथा भावनात्मक रूप से असंतुलित होकर सामाजिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से समाज के लिए अनुपयोगी हो जाता है। निराशा और कुंठा उसके जीवन का अंग बन जाते हैं। उसका आचरण उग्र और अपराधी बन जाता है तथा समाज और राष्ट्र के लिए वह एक समस्या बन जाता है। शरीर संबंधी क्षतियों के साथ साथ शराब व्यक्ति को मानसिक और नैतिक दृष्टि से भी खोखला बनाती है। डॉक्टर WGS के अनुसार पेट में पहुंचने के बाद शराब सर्वप्रथम मस्तिष्क को अपना शिकार बनाती है। ठीक निर्णय और ठीक समझ के लिए आवश्यक बौद्धिक चेतना शराब पीते ही छूमंतर होने लगती है। यही कारण है कि शराब पीने वाले अपने होशो हवाश खो बैठते हैं। यद्यपि पीने के तुरंत बाद व्यक्ति का मानसिक संतुलन अस्थायी रूप से ही अस्त व्यस्त होता है। नशा उतरने के बाद शराबी सामान्य दिखने लगता है, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति की जड़ें तो खोखली हो जाती हैं। एक बार किसी पेड़ की जड़ें हिला देने पर दोबारा उसी दशा में मजबूती के साथ खड़ा नहीं किया जा सकता। भूकंप के बाद सामान्य सी आंधी में भी बड़ी बड़ी इमारतों के गिरने का खतरा बना रहता है, क्योंकि भूचाल उसकी नींव को ही झकझोर डालता है।
मनुष्य की मानसिक शक्ति भी जब एक बार जड़ से हिल जाती है तो दोबारा सामान्य परिस्थितियों में भी वह उसी प्रकार डगमगाने लगती है। शराबियों के साथ स्थायी पागलपन का खतरा भी इसी प्रकार जुड़ा रहता है। शराब का सबसे मुख्य प्रभाव स्नायुओं पर होता है, जो कोमल अनुभूतियों और संवेदनाओं के केंद्र रहते हैं। आदतन मद्य सेवियों को इसी कारण निष्ठुर और क्रूर होते देखा जाता है, क्योंकि उनकी कोमल अनुभूतियां निर्बल स्नायु तंत्रों को छू ही नहीं पाती। पिए हुए शराबी को शरीर पर पड़ने वाली चोट, ठोकर और लड़खड़ाने का इसी कारण ध्यान नहीं रहता है कि स्नायु उसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचा ही नहीं पाते। नैतिक दृष्टि से भी शराब ने व्यक्ति को दयनीय और पथभ्रष्ट बना दिया है। देखा गया है कि अधिकांश अपराधी शराबी होते हैं। मानवीय मर्यादाओं के विरुद्ध खूंखार निर्णय लेने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति साहस कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी अंतरात्मा बड़ी प्रबलता से इसका विरोध करती है और ऐसा न करने के लिए उस पर दबाव डालती है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी आत्मा को एक बार कुचलने में सफल हो जाता है तो उसे दोबारा वैसा साहस करने में आत्मा का इतना विरोध नहीं सहन करना पड़ता, क्योंकि तब वह अपनी आत्मा की उपेक्षा करने का रास्ता पा चुका होता है और वह निस्संदेह मादक बेहोशी ही है। अंतरात्मा की पुकार को समाज शास्त्रीय भाषा में व्यक्ति की नैतिक चेतना भी कहा जा सकता है, जिसके अनुसार व्यक्ति समाज के अन्य सदस्यों को किसी प्रकार की हानि या क्षति पहुंचाए बिना अपना हित साधते रह सकता है। लेकिन मद्य का सेवन करते ही व्यक्ति की यह चेतना भी लुप्त हो जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से बेखबर और बेहोश हो जाता है। तब किसी अन्य की उपस्थिति का आभास भी उसे नहीं रहता और न ही आवश्यक सावधानियां तथा सतर्कताएं बरतने का होश। यही कारण है कि शराबी ड्राइवर अक्सर दुर्घटनाएं कर बैठते हैं। अपना सर्वनाश करने के साथ दूसरे निर्दोष प्राणियों और जंतुओं का भी नाश कर देते हैं। शारीरिक, मानसिक और नैतिक दृष्टि से अधः पतन के बाद सबसे बड़ी हानि है व्यक्ति की आर्थिक हानि, जिससे शराबी को सबसे पहले पाला पड़ता है। इतना अधिक खर्च करने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की इतनी अच्छी आर्थिक हालत नहीं रहती और न ही इतने लंबे समय तक व्यक्ति शराब पीने के लिए बचा रहता है। शराब उस व्यक्ति को ही जल्दी से जल्दी पी डालती है। फिर भी कोई व्यक्ति शराब पीना आरंभ करता है और पीना उसकी आदत में शुमार हो जाता है तो शीघ्र ही आर्थिक तंगियां उसे आ घेरती हैं। इधर स्वास्थ्य लड़खड़ाने लगता है, उधर पारिवारिक स्थिति डगमगाने लगती है। रोग, बीमारी, जर्जरता, दुर्बलता, गरीबी के साथ परिवार के अन्य लोगों की उपेक्षा और तिरस्कार भी उसे मिलने लगते हैं। उसका अंत बड़ी ही दयनीय परिस्थितियों में होता है। न पत्नी का प्यार, न बच्चों का सम्मान, न स्वजनों का स्नेह, न मित्रों का प्रेम, कुछ भी उसे उपलब्ध नहीं होता और न ही वह इन लोगों के संबंध में कुछ सोचने की स्थिति में रहता है। परिवार में उसके आश्रित लोग इसलिए उससे खिंचे खिंचे रहते हैं कि वह अपने आश्रित जनों की अनिवार्य आवश्यकताओं की भी उपेक्षा कर अपनी शराब में झोंकता रहता है। नशा कोई भी हो, मनुष्य के स्वास्थ्य, शक्ति एवं चरित्र को हानि पहुंचाता है। उसके मस्तिष्क और बौद्धिक गुणों को कुंद बनाता है। शराब पीने के बाद उसका प्रभाव सर्वप्रथम मनुष्य के मस्तिष्क पर पड़ता है। उसमें रहने वाला विषैला तत्व अन्य क्रियाकलापों को तो गड़बड़ाता ही है, लेकिन सर्वप्रथम मस्तिष्क के उन केंद्रों को प्रभावित करता है जो शरीर के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण करते हैं। फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों पर से मस्तिष्क का नियंत्रण हट जाता है। यही कारण है कि शराब पीने वालों की जबान लड़खड़ाने लगती है, हाथ पैर जवाब देने लगते हैं, चलने फिरने में भी वह ठीक से समर्थ नहीं रह जाता और जहां तहां गिरने पड़ने लगता है। शराबी व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन ही नहीं गड़बड़ाता, वरन अपने परिवार को, पड़ोस एवं परिकर को भी नरकमय बना देता है। इससे जहां संपत्ति की बर्बादी होती है, वहीं व्यक्ति अपनी प्रामाणिकता खो बैठता है और एक दिन नकारा होकर स्वयं भी मानसिक व्यथा का शिकार बन जाता है। इस लत से कितने ही परिवार उजड़ जाते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन एवं जापान में एक सबसे बड़ा कारण पुरुषों का शराबी होना है। शराब का घूंट हलक से नीचे उतरते ही अमाशय की श्लेष्मा झिल्ली से छेड़छाड़ करती और खून में मिलकर मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। मस्तिष्क में पहुंचने के लिए 5 मिनट से भी कम समय लगता है और वहां पहुंचते ही वह मस्तिष्क के उन भावों को निष्क्रिय कर देती है जो विचार, विश्लेषण और निर्णय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मदिरा का जो अंश मस्तिष्क को चेतना शून्य बनाता और नशा देता है, उसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं।
यह विशुद्ध रूप से बेहोश करने वाला तत्व है। जब शराब के माध्यम से अल्कोहल मस्तिष्क में पहुंचता है और उसे विचार तथा विवेक शून्य बना देता है, तो मस्तिष्क का शरीर और उमंग पर से नियंत्रण हटने लगता तथा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यही कारण है जिसमें मद्यपान के बाद लोग मस्ती में झूमने लगते हैं। चूंकि उनकी समीक्षा शक्ति दुर्बल या निष्क्रिय पड़ जाती है, तो वह अपने और दूसरों के बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगता है। दुबला पतला और कृशकाय व्यक्ति भी पीने के बाद अपने को किसी पहलवान से कम नहीं समझता। निरक्षर भट्ट होने पर भी व्यक्ति अपने को दुनिया का सबसे अधिक समझदार व्यक्ति समझने लगता है। जिसे मानसिक सुख शांति संतोष की तलाश हो, उसे शराब से सदा ही दूर रहना चाहिए और अमन चैन की जिंदगी बितानी चाहिए।